आप सब बच्चों से इस प्रकार की कोई भी बीमारियां, क्योंकि जैसे सबसे पहले अगर आप स्वस्थ हो तभी आप कुछ कर सकते हो, चाहे पढ़ाई में हो, खेल में हो, किसी भी चीज क्षेत्र में। तो आप सबसे बच्चों से निवेदन करूंगी, ऐसे कोई भी, जैसे पोलियो मुक्ति दिवस होता है या जैसे आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, इस प्रकार के तारीख है उसमें आप भी हिस्सेदारी लगाएं। जैसे आपके परिवार में जो भी पोलियो मुक्ति दिवस है उस समय आप ध्यान रखें कि आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में उन दोनों बच्चों ने दवाई ली नहीं ली। आज जैसे ये कार्यक्रम चला है तो आप दिन में इनके अलावा भी जिन बच्चों के संपर्क में कि भी आपने ये टैबलेट ली है कि नहीं है, तब तो इस प्रोग्राम की सार्थकता है। जो मंचासीन अतिथि है ये आए हुए हैं, ये आपके पास आए तो उसका औचित्य है, नहीं तो सिर्फ अपन ये खाना पूर्ति के लिए नहीं करें। और ये सब आपके हाथ में है। जो यहाँ ट्रेनिंग वाला स्टाफ बैठा है उनसे भी निवेदन करूंगी और बच्चों से भी कि आज ऐसे जिस जब भी कोई भी कार्यक्रम हो उसका पूरा धरातल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भी जानकारी दे, माध्यम बने। कोशिश ये करो कि डंडी वाला लोटा और नीचे तांबे का लोटा उससे पानी पियो, तांबे के गिलास से पियो। कोशिश करो, इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ताकि सबसे निरोगी की काया अपने शरीर अपना स्वस्थ है तो बहुत कुछ है। शरीर स्वस्थ है तो एजुकेशन मिलेगा, शरीर स्वस्थ है तो हर बार हर जन से आपके लिए कहेगा नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। अब इन बच्चों में मैं देखता हूँ किसी का तो बहुत अच्छा शरीर है और किसी का थोड़ा कमजोर क्यों लग रहा है। खाना तो हर एक खाते हो सकता है मिड डे मील भी मिलता होगा वो भी खाते हो तो कमजोर क्यों, उसका कारण है अपन ध्यान नहीं रखते हैं वायु प्रदूषण से, इसकी जगह जाने से होती है। उसके कारण बच्चों का सर्वे में ये देखा गया कि 25% बच्चे जो स्कूल के कारण इसीलिए स्कूल से उनका कंसंट्रेशन या स्कूल से बाहर हो जाते हैं कि उनके ये जो वर्म्स होते हैं पेट के उसके लक्षणों के कारण और वह कुपोषण का कारण बनता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए समझ जो पीढ़ी आगे जो स्वस्थ हो और एक अच्छी पोषित पीढ़ी हो, इसके लिए ही ये राज्य सरकार का और राष्ट्र का ये जो विशेष रूप से अभियान चलाया गया है और जिसके अंदर 10 फरवरी को समस्त बच्चों को कृमि से मुक्त के लिए जो एल्वेंडा जो गोली और जो साइरप है दवाई पिलाई जाएगी। एक से 19 साल तक के समस्त बच्चे हमारा इसमें लक्ष्य रहेंगे, चाहे वह स्कूल में हो अथवा नहीं भी हो, उन समस्त बच्चों को ये दवाई दी जाएगी।